अभी तक आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए। तो इसकी शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारे मेंग टियान और फांग यू डायरेक्टर के ऑफिस में होते हैं, जहाँ पर इन दोनों को पनिशमेंट मिलती है क्योंकि हमारे मेंग टियान ने किसी भी क्लब को ज्वाइन करने से मना कर दिया था और हमारी फांग यू ने भी उसे ट्रेन करने से मना कर दिया था। इसके बाद हमारे डायरेक्टर इन्हें एक सज़ा देते हैं कि इन्हें स्विमिंग पूल को साफ करना होगा, और तभी ये दोनों अपना मन मार कर जैसे तैसे उसे साफ करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी इन दोनों में झगड़ा हो जाता है, एक दूसरे पर पानी फेंकने लगते हैं और ये दोनों ऐसे एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकना बंद ही नहीं करते, जिसकी वजह से काफ़ी गीले हो जाते हैं। और जब टाई कमांडो टीम की कैप्टन ये देख लेती हैं तो इन्हें एक और बड़ी पनिशमेंट मिलती है कि इन्हें पैर बांध कर अब इस स्विमिंग पूल को साफ करना होगा। तभी ये दोनों लड़खड़ाने लगते हैं क्योंकि इनके पैर बंधे होते हैं, लेकिन माई फांग यू उसे एक रास्ता बताती है कि हम एक साथ बिल्कुल अपने कदम रखेंगे तो हम नहीं गिरेंगे, और इसके बाद ये दोनों स्विमिंग पूल को साफ करने लगते हैं। और इसके बाद हम सुनाओ को देखते हैं जो कि जा रहा होता है, और तभी हमारी श्योमी सामने आ जाती है और हमारा सुनाओ बस उसे जस्ट चक्कर मारने वाला ही होता है, लेकिन वो बच जाती है। और उसके बाद वो उससे सॉरी बोलता है और श्योमी कहती है कि कोई बात नहीं, और तभी वहाँ पर हमारी श्योमी के ऊपर पानी गिरने वाला था, तभी हमारा सुनाओ सामने आ जाता है और इसकी वजह से वो सारा का सारा गीला हो जाता है। और तभी श्योमी कहती है तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी, अगर मैं गीली हो रही थी तो हो जाती। तभी सुनाओ कहता है कि ऐसे करने से ना बहुत कूल लगते हैं, जैसे कि रोमांटिक मूवी में नहीं करते कि हीरो सामने आके खड़ा हो जाता है और हमारी हीरोइन को बचा लेता है। तो श्योमी कहती है अब ज़्यादा रोमांटिक मत बनो। हमारी श्योमी काफ़ी अच्छा खाना बना लेती है तो वो हमारे सुनहाओ को खाना ऑफर करती है और वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है, जो कि हमारे सुनहाओ को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। जिसके बाद वो सपने देखने लगता है कि अगर श्योमी उसके लिए खाना बनाए तो ये कितना अच्छा होगा और वो कितने अच्छे से खाना बनाती है, लेकिन ये बस उसका सपना ही था। तभी श्योमी कहती है कि अब तुम क्या सोचने लगे। और यहीं पर हम मिंग चान और फांगी को देखते हैं, जहाँ पर ये सफाई करके काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं और आराम से बैठ जाते हैं। तभी हमारा मिंग चैन इसी के साथ सो जाता है और हमारी फांग यू उसे काफ़ी पास से देखने लगती है और वो उसके थ्रोट को टच करती है। तभी हमारी मिंग चैन की नींद खुल जाती है और हमारी फांग यू उसे जगता देखकर वहां से भाग जाती है। तभी मिंग चैन कहता है कि मेरी क्या देख रही थी, कहीं मेरा गला तो नहीं दबा रही थी। और यान से फाइट हारने के बाद हमारी नान का तो बस एक ही सपना था कि वो उसे दोबारा फाइट में हरा दे। इसके बाद वो यान के पास आती है और उसे फाइट के लिए इनवाइट करती है और तभी हमारा यान भी मान जाता है। लेकिन जब हमारी नान रिंग में पहुंचने वाली होती है तो उसकी हालत थोड़ी अच्छी नहीं रहती क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली थी और उसका पेट भी दर्द हो रहा था, और ये बात हमारा यान नोटिस कर लेता है और फिर वो खुद ही कहता है कि आज मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है और आज मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, तो हम बाद में खेलेंगे। तभी नान कहती है कि मैं तो पूरी तैयारी कर आई थी लेकिन तुम ही ऐसे हो, और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी हमारा यान पीछे से आता है और वे कॉफ़ी लेकर हमारी नान को पकड़ा देता है और वो कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस मत किया करो, अपने आप पर ज़्यादा स्ट्रेस मत डालो, और वो उसे कॉफ़ी देकर वहाँ से चला जाता है। और तभी हमारी नान सोचती है कि ठीक है, ये इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है। और इसके बाद हम सुनहाओ और हमारी फांग यू को देखते हैं, जहाँ पर हमारी फांग यू एक्सरसाइज कर रही होती है और हमारा सुनहाओ उसे देखकर कहता है कि ये एक लड़की है तो ये इतना ज़्यादा वर्कआउट कर सकती है, तो मैं तो एक लड़का हूँ तो मैं तो इससे ज़्यादा कर सकता हूँ यार। और इसके बाद हम मिंग चान को देखते हैं जो कि अपने छोटे भाई बहन के साथ घर जा रहा होता है, और तभी वो एक लड़की को अपने पास से जाते हुए देखता है और उसके बाद वो उसे पलट कर दिखता है, तो ऐसा लगता है कि हमारे मिंग चान उसे जानता है। और तभी वो अपने छोटे भाई बहन से कहता है कि तुम जल्दी से अपने घर पर चले जाओ, मैं थोड़ी देर में आऊँगा। तभी उसके छोटे भाई बहन के साथ वो जाने लगता है और तभी वो लड़का सामने आ जाता है और वो हमारे मिंग चान और उसके छोटे भाई बहन को परेशान करने लगता है और वो हमारे मिंग चान के छोटे भाई को पकड़कर उसे बुली करने लगता है। और तभी हमारा मिंग चान उसे कहता है कि उसे छोड़ दो, अगर तुम्हें कुछ करना है तो मेरे साथ करो, और तभी वो हमारे मिंग चान के भाई को छोड़ता भी नहीं है और वो मिंग चान से कहता है कि तुम घुटने पर बैठ कर मुझसे माफ़ी मांगो। दरअसल वो एक बहुत ही अजीब इंसान है और वो किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो किसी को भी बुली कर लेता है क्योंकि वो सेज में मज़ा आता है। और तभी हमारा मिंग चान ना चाहकर भी उससे सॉरी बोलता है क्योंकि वो अपने भाई को हर्ट करना नहीं चाहता, पर मिंग चान घुटने में बैठकर उसे सॉरी बोलता है और तभी वो हमारे मिंग चान को लात मारकर वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद मिंग चान अपने छोटे भाई को संभालता है, लेकिन उसका छोटा भाई जितना डरा नहीं हुआ था उतना तो वो मिंग चान से गुस्सा था कि आखिर उसने उस लड़के से सॉरी क्यों बोला। और तभी वो अपनी छोटी बहन को गले लगाता है तो वो तो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी और वो उससे कुछ भी नहीं कहती। ऐसे इस लड़की की हम तारीफ करें तो इसका नाम ये चेन है और ये काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है और हर किसी
किसी से हर टाइम लड़ने के लिए तैयार होता है। और उसके पीछे भी एक वजह है कि जब वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था तो उसके स्कूल के जो बड़े बड़े और मोटे मोटे लड़के थे वो उसे हमेशा बुली किया करते थे, जिसकी वजह से उसे ऐसे बुली होना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और बचपन में मिंग ट्यान उसका डेस्कमेट था और मिंग ट्यान को परेशान करने के लिए उसकी भी एक वजह है। और ऐसे वो जा रहा होता है तभी कुछ लड़के उसे टकरा जाते हैं और उसके बाद वो अपना बैग नीचे पटक कर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वो लड़के तो वहाँ से चले जाते हैं कि ये तो सच में पागल ही है। और इसके बाद जब मिंग ट्यान अपने घर वापस आता है तो वो आज की अपनी सॉरी हुई बोली हुई बात पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि उसे खुद पर भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था और वो इस टाइम अपने आप को बहुत ही बड़ा लूज़र मान रहा था, क्योंकि उसने अपने छोटे भाई बहन को नहीं बचा पाया और अब उसे सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। वो तभी उसे फांगियों की बात भी याद आती है कि वो इतना ज़्यादा वीक है कि वो खुद को भी नहीं बचा सकता और अपने भाई बहनों का भी अच्छे से ख्याल नहीं रख सकता। और तभी उसका छोटा भाई उसके पास आता है, लेकिन मिंग ट्यान अभी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है तो वो उसे काफ़ी कुछ सुना देता है, जिसकी वजह से वो रोने लगता है। और जब वो वहाँ से चला जाता है तो ये सब कहने के बाद हमारे मिंग ट्यान को भी काफ़ी बुरा फील होता है। और सुबह जब उसके भाई बहन अपने स्कूल जा रहे होते हैं तो वो उन्हें रोकता है और उन दोनों से सॉरी बोलता है, और वो अपने छोटे भाई को भी मनाता है कि वो आगे से कभी भी बुली नहीं होगा और वो हमेशा तुम दोनों को प्रोटेक्ट करेगा। तभी उसका भाई भी अच्छे से मान जाता है, और उसकी छोटी बहन तो उससे नाराज़ ही नहीं थी पर वो उससे कहती है कि भाई आगे से कभी भी बुली मत होना और ना हमें होने देना। और यहीं पर सुनाओ की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्शन में अपनी फिटनेस रूम में एंटर करता है और वो सबको अपनी बॉडी अच्छे से दिखाने लगता है। और जैसे ही वो अपने बॉडी पर तेल लगाकर वहाँ पर खड़ा हो जाता है, वहाँ पर सारी लड़कियाँ भाग जाती हैं और वो कहता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि सारी लड़कियाँ से भाग गई। और तभी हमारी शाओमी आती है तो शाओमी को देखकर वो खुद को ही ढक लेता है और वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आ गई। तभी हमारी शाओमी बताती है कि तुम मिंग ट्यान के जैसे नहीं हो, क्योंकि मिंग ट्यान बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और उसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई वो करने लगती है। और तभी वो कहती है कि तुम मिंग ट्यान की तरह बन भी नहीं पाओगे और उसी को ही सारी लड़कियाँ पसंद करती हैं। और वो कहती है कि मिंग ट्यान इस स्कूल का फर्स्ट नंबर पर जो लड़का है वो आता है और तुम सेकंड पर आते हो। तभी हमारा सुनाओ कहता है कि चलो मैं सेकंड नंबर पर तो आता हूँ। तभी हमारी शाओमी कहती है कि तुम सेकंड नंबर पर आते हो, मतलब कॉलेज में सिर्फ दो ही लड़के हैं और तुम सबसे लास्ट हो। इसके बाद मिंग ट्यान और सुनहाओ फाइटिंग क्लब ज्वाइन करते हैं और यहाँ पर टीचर उन्हें कुछ मूव सिखा रहे होते हैं और उन्हें मूव सिखाने के लिए वो फांगियों को बुलाते हैं और फांगियों के साथ किसी और को भी इनवाइट करते हैं। तभी हमारा सुनहाओ बड़ी एक्साइटेड होकर हमारे फांगियों के पास आता है और वो काफ़ी ज़्यादा बोलने लगता है। तभी फांगियों कहती है कि तुम कितना बोलते हो, और आकर वो फिर से नीचे पटक देती है। लेकिन हमारा सुनहाओ इतनी बार गिरकर भी हार मानने वाला नहीं था, वो फिर से खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि बस एक बार और। तभी हमारी फांगियों से अच्छे से दो चार पंच मार कर जैसे से उसे नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। लेकिन भाई उसे फांगियों से पिटना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और तभी वो कहता है कि ये कितनी अच्छे से मारती है और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मुझे मार ही नहीं रही है। और इसके बाद हम शाओमी और नान को देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों बुक्स पढ़ने के लिए बैठते हैं। और तभी हमारे मिंग ट्यान दोनों के पास आता है और ये दोनों सोचती हैं कि ज़रूर मिंग ट्यान फिर से फाइटिंग क्लब छोड़ने के बारे में बात करने के लिए आया होगा। तभी ये दोनों वहाँ से भागने लगती हैं और मिंग ट्यान उनका पीछा करता है और ये काफ़ी तेज़ भागती हैं। लेकिन मिंग ट्यान हमारा भागने में काफ़ी अच्छा है, भले ही वो फाइटिंग में अच्छा ना हो तो वो इन दोनों को पकड़ लेता है और वो इन दोनों को अपना टाइम टेबल दिखाता है कि जो भी टाइम बचेगा मैं उसमें फाइटिंग सीख लूँगा। और तभी वो उनका टाइम टेबल देखती हैं तो उसमें कोई भी टाइम नहीं रहता है जिसमें हमारे मिंग ट्यान को कोई काम नहीं करना था, उसका सारा दिन बिल्कुल लॉक होता है कि उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि अपना टाइम वेस्ट करे और उसे काफ़ी सारी पार्ट टाइम जॉब भी करनी होती हैं। और इसके बाद हमारी फांगियू आइसक्रीम खाने के लिए जाती है तो हमारा मिंग ट्यान पहले से ही आइसक्रीम को बुक कर लेता है और उनसे कहता है कि ये फांगियू को ही देना। तभी फांगियू के लिए वो रेस्टोरेंट का गेट भी खुलता है और तभी हमारी फांगियू एंटर करती है और वो उस आइसक्रीम को बैठकर खाने लगती है और हमारा मिंग ट्यान उसे वहीं पर खड़े होकर देखने लगता है। इसके बाद हम यान और नान के डैड को देखते हैं, जहाँ पर नान के डैड यान को अच्छे से फाइटिंग सिखा रहे होते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारे नान के डैड भी काफ़ी अच्छे फाइटर हैं और वो हमारे यान को हराने में और उसे पंचेस मारने में कोई भी मौका नहीं छूटते और वो उसे एक तरह से हरा ही देते हैं। तभी हमारा यान कहता है कि आप तो बहुत ही अच्छे फाइटर हैं और तभी वो कुछ पंचेस मारते हैं। तो इस पर हमारा यान कहता है कि क्या ये डेथ स्ट्राइक है। तभी उसके डैड बताते हैं कि नहीं, ये डेथ स्ट्राइक का बिल्कुल दसवां पार्ट है। और यहाँ पर वो कहता है कि जब उसका दसवां पार्ट इतना खतरनाक है तो इसका जो मेन पार्ट होगा वो कितना खतरनाक होगा। तभी हमारे नान के डैड कहते हैं कि क्या तुम डेथ स्ट्राइक सीखना चाहते हो। तो हमारा यान कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत रहती है और इसको तुम ऐसे ही किसी और पर यूज़ नहीं कर सकते जिससे किसी की जान ही चली जाए। और वो ऐसे ही डेथ स्ट्राइक के बारे में
में कुछ बता रहे होते हैं। तभी हमारी नान वहाँ पर आ जाती है और वो यान को अपने डैड से इतना चिपकते हुए देख कर वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम रोज़ के रोज़ मेरे घर पर ही क्यों आ जाते हो। तभी उसके डैड और यान उसे काफ़ी कुछ मजाक में कहने लगते हैं जो कि हमारी नान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो इन दोनों पर गुस्सा होती है, लेकिन दोनों की हंसी तो रुकती नहीं है, जिसके बाद हमारी नान वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। और यहीं पर हम मिंगचान की बात करें तो अपनी पार्ट टाइम जॉब के साथ अपनी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी कर लेता है और जब उसे कोई काम आता है तो वो काम भी कर लेता है और अपनी जो प्रैक्टिस वो खुद से कर सकता है वो उसको करने लगता है। और इसके बाद ये चेन उसी स्पोर्ट्स क्लब को ज्वाइन करता है जिसमें हमारा यान कैप्टन रहता है और वो कैप्टन को हेलो बोलता है और वो कहता है कि मैं काफ़ी मन लगाकर बॉक्सिंग को सीखूंगा, बस आप मुझे सिखाते रहिए। और तभी वो वहाँ से मिंगचान को जाते हुए देखता है तो वो उसके पास जाकर पहुँचता है और वो फिर उसे उसी पुरानी बात को याद दिलाने लगता है, लेकिन हमारा मिंगचान वहाँ से जाने लगता है लेकिन वो उसे जाने नहीं देता। और इसके बाद वो फिर से उसे पुश करने लगता है और वो कहता है कि याद है पिछली बार मैंने तुम्हें मारने वाला था लेकिन तुमने मुझे सॉरी बोल दिया था इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। और इसके बाद वो हमारे मिंगचान को पुश करने लगता है और हमारे यान उसे जस्ट रुकने वाला ही था तो ये हमारी फांगियू आ जाती है और वो उसकी उंगली पकड़ कर उसे सीधा मरोड़ देती है और वो उसे समझाती है कि आगे से मिंगचान के आसपास भी मत घूमना और जब तक वो उसकी उंगली पकड़ी रहती है जब तक उसकी सारी उंगली टेढ़ी नहीं हो जाती। और इसकी वजह से हमारे एजेंट को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है लेकिन हमारी फांगियू कहाँ छोड़ने वाली थी। तभी मिंगचान कहता है कि तुम उसे छोड़ दो और मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स को उससे ही हैंडल कर लूँगा। और तभी वो वहाँ से चला जाता है और हमारा यान हमारी फांगियू और मिंगचान से सॉरी बोलता है। इसके बाद हमारी फांगियू वहाँ से आ जाती है और वो सोचती है कि आखिर उसने मिंगचान के लिए ऐसा क्यों किया कि उसने उसे लड़की की उंगली पकड़ के ही मरोड़ दी और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी हमारी नान आती है और वो हमारी फांगियू से कहती है कि तुम अकेले अकेले में किससे बात कर रही हो। तभी हमारी फांगियू सोचती है कि इसे कुछ पता ना चल जाए तो वो अपनी शू लेस बांधने के लिए होती है लेकिन उसके शूज़ में तो लेस ही नहीं होते। तभी हमारी नान कहती है कि तुम सच में पागल हो गई हो क्या। तभी हमारी फांगियू वहाँ से भाग जाती है और इसके बाद हमारा यान ये चीज से बात करता है। वो कहता है कि तुम सुधर जाओ क्योंकि अगर तुम ऐसे किसी को मारते रहोगे तो तुम्हें इस स्पोर्ट्स क्लब में कोई जगह नहीं मिलेगी। और वो उसे समझाता है कि मारना पीटना कोई भी अच्छी बात नहीं है और तुम ऐसे किसी को भी मारते पीटते रहते हो। और वो उस बात को भी याद करते हैं कि तुमने उसे सॉरी बुलवाया था जबकि उसकी कोई भी गलती नहीं थी। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और हमारी एजेंट की शक्ल तो ऐसी लग रही थी कि अगर उसमें इतनी ताकत होती तो अभी वो कैप्टन के ऊपर ही हमला कर देता और उन्हें कूद कर साइड में कर देता। और इसके बाद हमारे फांगियू का भाई उसे कॉल करता है और वो उसे कहता है कि हमें अपने ग्रैंडफादर की पार्टी में जाना है और आप जल्दी आ जाइए। और तभी फांगियू कहती है कि हाँ मैं बस निकल ही रही हूँ। और इसके बाद हमारी फांगियू का भाई श्याओमी से बात करता है और वो श्याओमी से डेट पर जाने के लिए पूछता है। तभी श्याओमी कहती है कि क्यूटी अभी तुम बहुत ही ज़्यादा छोटे हो तो बड़े हो जाओ तब मुझसे बात करना। और इसके बाद वो फ़ोन काट देती है। और इसके बाद फांगियू उसका छोटा भाई पार्टी में जाने के लिए जाते हैं और हमारा मिंगचान भी उसी रेस्टोरेंट में आज के लिए पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आता है। और यहीं पर हमारी फांगियू वहाँ पर जाती है तो वो उसी लड़के को देखती है जो कि बचपन में उसे मॉन्स्टर बुलाया करता था और जब वो उसे गिफ्ट देने के लिए गई थी तो उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था। वैसे उस लड़के को देखकर वो समझ जाती है लेकिन कुछ भी बोलती नहीं है और वो उस लड़के को देखकर काफ़ी ज़्यादा अजीब फील करती है, जिसके बाद वो पार्टी छोड़कर बाहर चली जाती है। और तभी वो लड़का बाहर आता है और वो हमारी फांगियू से बात करने के लिए कोशिश करता है लेकिन मेरी फांगियू कहती है कि मैं कुछ भी भूली नहीं हूँ और मुझे सब कुछ याद है। और इसके बाद मेरी फांगियू भी वहाँ से चली जाती है और ये सारी बातें हमारे मिंगचान भी सुन लेता है। और इसके बाद वो लड़का हमारी फांगियू के जाने के बाद कहने लगता है कि मैं ये सब कुछ बिजनेस की वजह से कर रहा हूँ और मुझे ये सब डैड के कहने की वजह से करने पड़ रहा है। और वो कहता है कि फांगियू तो अभी मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है लेकिन मैं उसे मना लूँगा क्योंकि आखिर बिजनेस तो बिजनेस है। और इसको हमारा मिंगचान अच्छे से सुन लेता है। इसके बाद वही बंदा हमारी फांगियू से फिर से बात करने की कोशिश करता है और वो कहता है कि फांगियू तुम ये खा लो लेकिन हमारी फांगियू कहती है कि मुझे इससे एलर्जी है। तभी हमारी फांगियू का भाई बोलता है कि दी ने कहा ना कि उन्हें नहीं खाना तो फिर क्यों बोल रहे हो। तभी उनके ग्रैंडफादर उन दोनों को चुप कराते हैं और तभी वो लड़का हमारे मिंगचान को अपना ग्लास फिल करने के लिए बुलाता है लेकिन हमारा मिंगचान जानबूझकर उसके पैन के ऊपर अपनी वाइन गिरा देता है, जिसके बाद वो मिंगचान पर गुस्सा होता है और उसकी वजह से हमारे मिंगचान को वहाँ से जाना पड़ता है और उसकी नौकरी भी चली जाती है। और तभी हमारी फांगियू आती है और वो मिंगचान से थैंक यू बोलती है और वो कहती है कि मैं मुझे पता है कि तुमने मेरी जानबूझकर हेल्प की थी। तभी मिंगचान इसको एक्सेप्ट करने से मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी हमारी फांगियू कहती है कि मैं तुम्हें फिर से पैसे ऑफर कर रही हूँ लेकिन हमारा मिंगचान कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि पैसे ऑफर मत किया करो और मुझे ये बिल्कुल ही पसंद नहीं है। इसके बाद फांगियू कहती है कि ठीक है तो कुछ भी मत करो लेकिन रुको मेरे साथ आज तुम डिनर तो कर ही सकते हो। तभी हमारा मिंगचान इसके लिए मान जाता है। और इसके बाद ये सभी हमारे
सुनाओ कि मॉम के रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए जाते हैं, तभी वहाँ की नूडल्स हमारी पांग्यू को काफ़ी अच्छे से पसंद आते हैं। और जब उसके बाल अपने खाने में जाने लगते हैं तो हमारा मिंग जान उसके बाल साइड कर देता है। और इसके बाद हमारी पांग्यू को कॉल आता है कि उसे अभी जाना होगा। इसके बाद वो हमारे मिंग जान को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है। और तभी हमारा सुनहा हमारे मिंग जान के पास बैठता है और कहता है कि क्यों तुम दोनों डेट पर आए हो क्या। तभी हमारा मिंग जान सीधा सीधा मना कर देता है, लेकिन फिर भी वो पांग्यू को थोड़ा बहुत लाइक तो करने लगा है। और हमारी पांग्यू तो शायद उसे पहले से ही लाइक करती है। और यहाँ पर सुनाओ कहता है कि ठीक है, अगर तुम दोनों में कुछ भी नहीं है तो मुझे एज ए फ्रेंड उससे सेट करवा दो यार। और ये सुनकर हमारे मिंग जान को भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उसका कोई भी जवाब नहीं देता। और यहीं पर हमारी पांग्यू अपने घर पर मिंग जान के बारे में सोच सोच कर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि उसे ये भी होश नहीं रहता कि कब उसका ग्लास फिल हो गया है और उसका पानी बाहर निकलने लगा है। तभी उसका भाई आता है और वो कहता है कि दी कम से कम उस ग्लास को तो कम भरो। और इसके बाद उसका भाई कहता है कि आज आप पार्टी छोड़कर किसके साथ चली गई थी। तभी हमारी पांग्यू कहती है कि वो मिंगजान के साथ थी। और तभी उसका भाई भी काफ़ी ज़्यादा होशियार रहता है और वो कहता है कि एक ही लड़का हर बार मुझे दिखता है। और वो कहता है कि उस दिन मैंने खाना ऑर्डर किया था तो तब वो लड़का था जिसे आपने बुझाया था, और आज उस लड़की ने आपकी हेल्प की थी। तो वो इस बात से समझ जाता है कि ज़रूर इनमें कोई चक्कर चल रहा है। और वो कहता है कि दी मुझे सारी बात बताओ ना। और उसके बाद वो पांग्यू के आगे पीछे घूमने लगता है कि दी कहीं आप उस लड़की को लाइक नहीं करती, कहीं वो लड़का आपको लाइक नहीं करता। वो काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछता है, पर हमारी पांग्यू शर्माने लगती है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो चुप ही नहीं होता। और इसके बाद हमारी पांग्यू उस पर गुस्सा करती है, जिसके बाद वो फाइनली वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हमारा मिंग जान अपने घर पर आता है और अपने छोटे भाई बहन को ताइक्वांडो क्लब ज्वाइन करने के लिए राजी कर देता है। और इसके बाद वो अपनी एक पुरानी यूनिफॉर्म निकालता है जो कि बचपन में उसके पास थी जब उसके डैड फाइटर थे और वो उसे ताइक्वांडो सिखाया करते थे। और इसके बाद हमारे मिंगचान के छोटे भाई बहन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अब वो भी ताइक्वांडो सीखेंगे। और अपने छोटे भाई बहन को खुश देखकर हमारा मिंग जान भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बाहर आकर हमारी पांग्यू की दी हुई साइकिल को टच करता है। लेकिन जैसे ही उसे सुनाओ की बात याद आती है कि सुनाओ भी उसे लाइक कर देता है, वो उस साइकिल को छोड़कर अंदर चला जाता है। और मिंगचान के छोटे भाई बहन ताइक्वांडो क्लब ज्वाइन कर लेते हैं। और यहाँ पर एक लड़का हमारे मिंगचान के भाई से कहता है कि तुमने कभी क्वीन को देखा है। तभी उसका भाई कहता है कि क्वीन डी को मैं जानता हूँ और वो मेरे घर पर अभी आई हैं और हम दोनों ने एक साथ बैठकर गेम्स भी खेले हैं और हम दोनों ने एक साथ डिनर भी किया है। तभी वो लड़का मानने के लिए तैयार नहीं होता है और वो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तभी हमारे मिंगचान के भाई को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग जाता है और वो अकेडमी से बाहर भाग जाता है। और इसके बाद हम इन सभी को देखते हैं जो कि बैठकर अपना लंच कर रहे होते हैं। तभी मिंगजान को कॉल आता है कि उसका भाई गायब है, तो अपने भाई को ढूंढने के लिए वहाँ से भागता है। और हमारी श्यामी को जैसे ही पता चलता है कि कल रात को हमारे मिंगजान और फांग्यू ने एक साथ डिनर किया था, तो वो हमारे सुनाओ को बात करने के लिए बुलाती है और वो उसे डील करती है कि तुम मिंगजान को फांग्यू के पास मत जाने देना और मैं फांग्यू को मिंगजान के पास नहीं आने दूंगी, जिसकी वजह से हम दोनों के रास्ते एकदम आसान हो जाएंगे और हम दोनों को एक दूसरे का प्यार मिल जाएगा। तो ये हमारे सुनहाओ भी इस डील के लिए मान जाता है और ये दोनों एक दूसरे के पार्ट बन जाते हैं। और तभी ये अपने क्यूट से हैंड साइन बनाते हैं। और तभी मिंगचान का भाई अपनी एकेडमी से भागकर हमारी फांग्यू के पास आता है और वो कहता है कि क्वीन दी मेरी एकेडमी में कोई भी नहीं मान रहा है कि मैं आपको जानता हूं, तो प्लीज़ मेरे साथ चलिए। जिसके बाद हमारी फांग्यू उसके साथ चली जाती है और सभी को बताती है कि वो उसे जानती है। तभी सारे बच्चे उससे ऑटोग्राफ लेने लगते हैं और तभी हमारा मिंगचान भी आता है और वो हमारी फांग्यू को ऐसे देख कर काफ़ी सरप्राइज होता है। और यहीं पर हम श्याओफेंग को देखते हैं जो कि हमारे यान से अपने साथ डिनर पर चलने के लिए बोलती है, लेकिन हमारा यान कहता है कि आज उसे काम है और उसे कहीं पर जाना है। और वो कहती है कि ठीक है तो हम नेक्स्ट वीक चलेंगे, लेकिन हमारा यान कहता है कि अभी मुझे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन हम एक दिन ज़रूर जाएंगे। और उसके बाद हमारी श्याओफेंग को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन हमारा यान तो वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद वो सीधा नान की डैड के पास जाता है और यहाँ पर ये दोनों बैठकर चाय पीते हैं। और यहाँ पर हमारा यान नान की डैड को बताता है कि वो नान को पसंद करता है। सुनकर कि हमारा यान हमारी नान को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, उसके डैड को भी हमारा यान काफ़ी पसंद है। और वो कहते हैं कि तुम्हें नान कैसे पसंद आई। और तभी वो बताता है कि एक दिन वो यहाँ से जा रहा था, तभी वो देखता है कि नान काफ़ी रात तक प्रैक्टिस कर रही थी और वो उसे ये बात काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगी कि वो इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और वो अपनी प्रैक्टिस के लिए कुछ भी कर सकती है। और इसके बाद हमारी नान आती है और वो कहती है कि मुझसे ज़्यादा तो ये मेरे घर पर रहता है। और वो कहती है कि तुम बार बार यहाँ पर क्यों आ जाते हो। तभी हमारा यान कहता है कि क्योंकि मैं अभी यहीं पर प्रैक्टिस करने वाला हूँ, तुम्हारे डैड मुझे काफ़ी अच्छी सी ट्रिक्स सिखाने वाले हैं। और तभी हमारी नान कहती है कि डैड आप मेरे डैड हो और आप इसे क्यों सिखा रहे हो। तभी हमारे डैड कहते हैं कि क्योंकि ये काफ़ी अच्छा स्टूडेंट है।
और इसके बाद उसके डैड बताते हैं कि उन्होंने इन दोनों के लिए एक ट्रेनिंग प्लान बनाया है जिसको इन दोनों को फॉलो करना होगा और अभी तुम दोनों को रनिंग करने के लिए जाना है। और इसके बाद ये दोनों रनिंग करने के लिए बाहर निकलते हैं और यहाँ पर हमारी श्याओ फेंग भी यान को देख लेती है और वो कहती है कि इसका ये काम था, इसके लिए ये मेरे साथ चलने के लिए मना कर रहा था। यही पर माई फांग यू मिंगचैन के दोनों भाई बहनों को अपने साथ लेकर वापस जा रही होती है, तभी ये दोनों ये देखते हैं कि यहाँ पर एक कंपटीशन होने वाला है और जीतने वाले को हॉट डॉग्स खाने के लिए मिलेंगे। और मिंगचैन के छोटे भाई बहन को हॉट डॉग्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो वो इन दोनों से कहते हैं कि वो दोनों इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लें, जिसके बाद ये दोनों इसमें हिस्सा लेते हैं जिसमें बॉल को एक बाउल से बाहर निकालना था जिसमें काफ़ी ज़्यादा पाउडर उड़ेगा और ये आँखों में भी जाएगा, लेकिन बॉल को बाहर निकालना है और जीतने वालों को हॉट डॉग्स खाने को मिलेंगे, जिसके बाद ये दोनों करते हैं और जीत भी जाते हैं और इन दोनों को हॉट डॉग खाने के लिए मिल जाते हैं। और तभी ये दोनों एक दूसरे के फेस साफ करते हैं और हमारे मिंगचैन का छोटा भाई मिंगचैन को दूर करता है और वो कहता है कि क्वीन दी आप मुझसे अपना चेहरा साफ करवा सकती हो। तभी हमारी क्वीन उससे अपना चेहरा साफ करवाने लगती है और वो कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं मिंगचैन भाई से ज़्यादा हैंडसम हूँ और मैं काफ़ी जल्दी बड़ा हो जाऊँगा जिसके बाद मैं आपके साथ रहूँगा। और तभी फांगी कहती है कि अभी तुम काफ़ी ज़्यादा छोटे हो, और हमारा मिंगचैन उसका चेहरा बंद करने लगता है और वो कहता है कि तुम ज़्यादा मत बोलो। और तभी हमारा मिंगचैन का भाई कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस हूँ, और इस पर हमारा मिंगचैन उसका फिर से मुँह बंद करने लगता है। तभी हमारी फांगी कहती है कि तुम चिंता मत करो, मेरा छोटा भाई भी इतना ज़्यादा ही बोलता है। और यहीं पर यान और नान रनिंग करने के लिए आते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा दूर रहता है जिसकी वजह से इन दोनों की हालत ख़राब हो जाती है और फाइनली ये दोनों अपना टास्क कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद ये पानी पीते हैं और वापस जाने लगते हैं। तभी हमारी नान हमारी यान को एक छोटे रास्ते से ले जाती है जो कि जंगल से जाता है और वो कहती है कि इससे हम जल्दी पहुँच जाएंगे और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी। और यहाँ पर इस जंगल में काफ़ी ज़्यादा सांप रहते हैं, यहीं पर एक पेड़ पर सांप लटका होता है जो कि हमारी नान पर जस्ट उसे काटने वाला ही होता है। तभी हमारा यान उसे बचा है और सांप उसे गलती से काट लेता है और इसके बाद हमारी नान को काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो। और इस पर हमारी यान को कुछ भी नहीं हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो ऐसे दिखाता है कि बस वो उसे चक्कर आ रहे हैं और वो उसे कहता है कि मुझे एक पेन पेपर दे दो क्योंकि मैं अपने मोम एंड डैड को अपना लास्ट लेटर लिखने वाला हूं। और वो कहता है कि मैं अपने मोम एंड डैड को लास्ट बार बाय बोलना चाहती हूं और मुझे उनके लिए एक अच्छा सा लेटर भी लिखना है और उनसे थैंक यू बोलना है कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा किया लेकिन मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। और उसके बाद हमारी नान तो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और वो कहती है कि प्लीज़ तुम ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हें बचा लूँगी। और इसके बाद वो हमारे यान के हाथ से जहर को निकालने लगती है और हमारा यान काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और नान से कहता है कि तुम ज़्यादा कोशिश मत करो, अब कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद हमारी नान रोते हुए उसके हाथ से वो जहर को निकालने लगती है और इसके चलते हमारा यान कहता है कि बस बस रुको रुको, मैं तो भी मजाक कर रहा था। इस पर हमारी नान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम्हें ऐसे मजाक करने सोचते हैं। और इस पर वो दोनों चुप हो जाते हैं और तभी हमारी नान को अचानक से खुजली होने लगती है और वो एक जंगली सांप था जिसकी वजह से कहीं जहर तो नहीं फैलता बल्कि खुजली और इन्फेक्शन ज़रूर जाता है जो कि हमारी नान को हो जाता है और वो हर जगह खुजाने लगती है। और इसके बाद श्याओमी और श्याओ वेन एक और आइडिया निकालते हैं कि वो मिंगचैन और फांगयू को दूर दूर रखें। और तभी वो हमारे मिंगचैन को फ़ोन करता है और वो कहता है कि रेस्टोरेंट में आज लोगों की कमी है और सर्व करने के लिए कोई भी नहीं है, तो वो मिंगचैन को काम करने के लिए बुला लेते हैं। और वहाँ मिंगचैन इतना अच्छा रहता है कि अपनी फ्रेंड के लिए कुछ भी कर सकता है और वो रेस्टोरेंट में काम करने के लिए पहुँच जाता है, जहाँ पर हमारे श्याओ वेन की मॉम उन दोनों पर गुस्सा होती है कि तुम कितने ज़्यादा गंदे बच्चे हो कि तुम उसे बुली कर रहे हो। तभी यहीं पर ये चिन भी आ जाता है हमारे मिंगचैन को ढूंढते हुए और यहीं पर काफ़ी सारा खाना ऑर्डर करता है लेकिन उन्हें खाता नहीं और कहता है कि कितना ज़्यादा गंदा है और वो यहाँ से बिना पैसे दिए जाने लगता है। और तभी यहाँ पर यान आता है और वो हमारी एजेंट से कहता है कि तुम माफ़ी मांगो। और इसके बाद हमारी एजेंट को ना चाहते हुए भी माफ़ी मांगने लगती है और इसके बाद वो सभी कहते हैं कि तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए। इसके बाद हमारी यान के कहने पर एजेंट सारे पैसे दे देता है और वो वहाँ से चला जाता है। वैसे उसे गुस्सा तो बहुत आ रही थी कि अभी वो सभी को पीट देगा। और इसके बाद यान फिर से उन सभी को सॉरी बोलता है और कहता है कि आगे से ऐसा नहीं होगा और वो वहाँ से चला जाता है। और इसके साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।